अ फॉर्मल मॉडल ऑफ कन्जम्पन एंड सेविंग द रियल इंटरेस्ट रेट एंड कंजम्पन सेविंग डिसीजन डे स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने इंटरेस्ट रेट के इजाफे की वजह से जो कन्जम्पन और सेविंग पर उसका असर है उस कॉन्टेक्ट में हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को डिसकस किया था और आज हम इनकम इफेक्ट पर बात करेंगे

अपने रिसोर्स को सेव कर रहा है और उन्हें बैंक में रख कर उस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो इस सूरत में इंटरेस्ट रेट के इजाफे से ही विल बिकम रिचर और यह भी हम जानते हैं कि द इनकम इफ़ेक्ट वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सब्सट्यूशन इफेक्ट कि सब्सटिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो करंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव हो जाती है उसलिए वो करंट कंजम्पशन को कम कर देता है लेकिन इनकम इफ़ेक्ट की वजह से जब उसकी इनकम लैंडर है और उसकी इनकम में इजाफा हो गया है उसकी वजह से वो करंट कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ओके इफ द पर्सन ओरिजिनली प्लान टू बी ए बारोअर द राइज़ इन द रियल इंटरेस्ट रेट गिव्स द पर्सन लेस इनकम इन द फ्यूचर पीरियड और अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो नेट बार है नेट बार का मतलब ये है कि करंट पीरियड में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसे वो अगर उससे ज़्यादा स्पेंड करना चाह कर रहा है तो कैसे करेगा बारो करके करेगा तो इस सूरत में क्या होगा इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से उसके पास अवेलेबल जो रिसोर्स हैं वो कम हो जाएंगे वो चूँकि उसने इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो इसका नतीजा उस पर यह निकलेगा कि वो रिलेटिवली पुअर हो जाएगा और इस पुअर होने की वजह से क्या होगी उसकी करंट कंजम्पशन भी कम हो जाएगी और उसकी फ्यूचर कंजम्पशन भी उसकी कम हो जाएगी सो so, इस इस सूरत में अगर वो लैंडर है तो हमने देखा कि इनकम और सब्सटन इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं लेकिन अगर वो नेट बारोर है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बढ़ने की वजह से करंट कंजम्पशन उसकी एक्सपेंसिव गई है तो वो करंट कंजम्पशन को कम कर देगा और वो बार भी है रेट के बढ़ने से उसके पास अब ज़्यादा उसने पेमेंट करनी है तो वो रिलेटिवली पुअर हो गया तो इस वजह से भी उसकी करंट कन्जम्पन कम हो जाएगी तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और फ्यूचर इनकम जो है रिड्यूसेस करंट कन्जम्पन फर्दर अब हम इन दोनों को एक साथ देखेंगे कि किस तरह से इनकम और सब्सन इफेक्ट एक साथ काम करते हैं इसमें हम ग्राफिकली इसको डिस्कस करेंगे तो हम बजट लाइन को दो हिस्सों में सप्लेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसमें से कितना इनकम इफेक्ट और कितना सब्सटिट्यूशन इफेक्ट हम इसको ग्राफ की मदद से ही समझते हैं ये ग्राफ इसमें ई पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल ई पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं ई पॉइंट जो है ये दोनों बजट लाइंस पर रेड वाली बजट लाइन और ब्लैक वाली बजट तीन तीन बजट लाइंस इसमें हैं ब्लैक वन रेड और एक डॉटेड लाइन है ठीक है अभी हम डॉटेड पर बात बात बाद में बात करेंगे ब्लैक और रेड पर बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में कॉमन क्या है कॉमन ये है कि दोनों ई e पॉइंट में से गुजर रहे हैं ई e पॉइंट में से गुजरने का मतलब क्या है कि ये ई e वो पॉइंट है जो नो बारिंग और नो लैंडिंग पॉइंट है ठीक है इसमें चूंकि उसे ना बारो करने की ज़रूरत है ना वो लैंड कर सकता है तो वट एवर इज़ द इंटरेस्ट रेड दिस पॉइंट विल रिमेन अवेलेबल टू द कंज्यूमर सो ये दोनों बजट लाइन्स पर ये ई पॉइंट मौजूद हैं। फ़र्क क्या है दोनों में बी एल वन और बी एल टू में डिफरेंस ये है कि बी एल टू स्टीपर है और बी एल वन फ्लैटर है स्टीपर होने का क्या मतलब है कि बी एल टू जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है और बी एल वन जो है वो लो इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है सो so इनिशियली हम ये कह रहे हैं कि वो उसका इंटरेस्ट रेट कम है टेन परसेंट है हम नोमरिकल वैल्यूज़ भी यूज़ कर रहे हैं तो इनिशियली जो इंडिविजुअल है वो बी एल वन पर है और उसका इक्िबनियम पॉइंट डी है डी क्यों है एक तो आप जानते हैं कि चूंकि इन कर्व जो है वो इस ब्लैक वाली बजट लाइन का टेंजेंट बन रहा है डी पर डी पर क्या सूरत हाल है ई e के साथ अगर आप डी को कंपेयर करेंगे तो ई e पर अगर वो होता तो वो नो लैंडिंग नो बारिंग पोजिशन में होता है जब वो डी पर है तो वो क्या कर रहा है कि करंट पीरियड में जो उसको अवेलेबल रिसोर्स हैं उनसे वो कम खर्च कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके पास कुछ सेविंग अवेलेबल हैं उनको वो बैंक में डिपॉजिट करेगा और उससे वो कुछ इंटरेस्ट अर्न करेगा तो इनफैक्ट डी पर वो है तो इट मींस कि द इंडिविजुअल इज़ नेट लैंडर ओके अब जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया तो बजट लाइन बी एल टू उसकी होगी और वो डी से शिफ्ट कर गया पॉइंट क्यू पर क्यू इज द न्यू लिबरिंग पॉइंट एक पॉइंट की डेफिनेशन वही है बार बार हम इस पर बात करते हैं कि जहाँ पर भी बजट लाइन और इन कर्व टेंजेंट हो रहे हैं वो एक पॉइंट होगा वो हाइस्ट पॉसिबल सेटिसफेक्शन लेवल होगा जो उस बजट स्पेस में उस इंडिविजुअल अटेन वो उसे अटेन कर सकता है तो डी और की क्यू को अगर आप कंपेयर करें डी से वो क्यू पर क्यों मूव कर रहा है इसलिए कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया तो ये उस इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है ओवरऑल उसका इम्पैक्ट है टोटल इम्पैक्ट है कि वो डी से क्यू पर जा रहा है डी पर क्या सूरत हाल है फोर्टी फाइव थाउजेंट उसकी करंट कंजम्पशन है और क्यू पर क्या सूरत हाल है क्यू पर आप देखें कि थर्टी नाइन थ्री सेवन फाइव ये उसकी करंट कंजम्पशन है तो करंट कंजम्पशन उसकी ओवरऑल कम हो गई है क्यों कम होगी है चूंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है और इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने से इस सिचुएशन में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए करंट कन्ज़म्पन एक्सपेंसिव होगी है फ्यूचर कन्जम्प्शन रिलेटिवली उसके लिए चीप होगी है तो उसने करंट कन्जम्पन को कम कर दिया और क्यू को जब आप डी से कंपेयर हैं तो क्यू पर उसकी फ्यूचर कन्जम्पन पहले से ज़्यादा हो गई है डी से कम फोर्टी नाइन फाइव हंड्रेड की बजाय अब वो होगी है सिक्सटी नाइन थ्री हंड्रेड ओके सो दिस इज़ द ओवरऑल टोटल इफेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट अब हम इस ओवरऑल इफेक्ट को डी करना चाहते हैं बिटवीन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टेक्निक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में पढ़ाई जाती है कि डी करने के लिए हम एक थर्ड एक इमेजिनरी एक इंटरमीडिएट बजट लाइन ड्रा करते हैं दो बजट लाइंस तो पहले हमारे पास है ना ये ब्लैक वाली इनिशियल बजट लाइन थी रेड वाली उसके पास आफ्टर द चेंज आफ्टर द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन द न्यू बजट लाइन सो हम एक थर्ड बजट लाइन ड्रा करेंगे और वो बजट लाइन यहाँ पर शो हो रही है डॉटेड लाइन जो है रेड वाली ये थर्ड बजट लाइन है इस बजट लाइन में दो बातें हैं नंबर एक ये है कि ये रेड वाली के पैरल है बी के पैरल लाइन है और दूसरी इसकी बात ये है कि ये पॉइंट डी में से ये गुजर रही है ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो थर्ड हमने बजट लाइन ड्रा की है इसमें दो बातों का हमने ख्याल रखता है कि नंबर एक तो ये कि ये जो आपका इनिशियल पॉइंट था डी ये उसमें से गुजर रही है और सेकेंडली ये कि ये नई बजट लाइन के पैरल नई बजट लाइन के पैरल होने का मतलब ये है कि ये नए इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट कर रही है और डी पॉइंट में से थ्रू होने का मतलब ये कि इस बजट लाइन पर भी वो जो इनिशियल बजट बंडल था कंजम्पशन का वो उसको इस नई सिचुएशन में यानी इंटरेस्ट रेट में इजाफे के बाद भी वो उसके लिए अवेलेबल रहता है सो so, इस डॉटेड लाइन पर अगर आप एक पॉइंट देखेंगे तो वो हमने पी से डिनोट किया अगेन पी क्यों है इसलिए कि इस डॉटेड लाइन पर एक और इंडिफरेंस कर उसका टेंजेंट बन रहा है सो so डी से जब आप पी पर मूव कर रहे हैं तो दिस इज अ अब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाई बिकॉज डी एंड पी दोनों पर टोटल उसका एक्सपेंडिचर सेम है क्योंकि दोनों एक ही बजट लाइन के ऊपर हैं लेकिन डी से वो पी पर क्यों शिफ्ट हो रहा है डी पर जब पहले था तो इंटरेस्ट रेट कम था और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से बजट लाइन उसकी चेंज होगी तो वो पी पर शिफ्ट हो गया तो ये D से P तक की जो मूवमेंट है दिस इज़ योर प्योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और P से Q पर जो मूवमेंट है P और Q को अगर आप देखें उसमें क्या है ये दो ऐसी बजट लाइंस पर हैं जो दोनों पैरेलल हैं पैरेलल होने का मतलब ये है कि दोनों पर इंटरेस्ट रेट एक जैसा है लेकिन हायर इन डिफ्रेंस का जो है वो हायर इनकम हायर बजट लाइन सॉरी वो हायर इनकम लेवल को शो कर रहे हैं और लोअर जो डॉटेड लाइन है वो लेस इनकम लेवल को शो कर सो so पी से क्यू तक की जो मूवमेंट है दिस इज़ ड्यू टू इनकम इफ़ेक्ट और अगर आप इस पर गौर करें पी पर से जब आप क्यू पर जाते हैं तो आपकी करंट कंजम्पशन में भी इजाफा हो जाता है और आपकी फ्यूचर कंजम्पशन में भी इजाफा हो जाता है इसलिए क्या मज़्यूम कर रहे हैं कि ये कंजम्पशन आपकी करंट है फ्यूचर दोनों नॉर्मल गुड है जब भी इनकम बढ़ेगी तो इन दोनों में इजाफा हो जाएगा सो so, पी से क्यू की जो मूवमेंट है ये इनकम इफेक्ट है और डी से पी तक की जो मूवमेंट है ये सब्स्रिपन इफेक्ट अब हम इन दोनों को मिला के देखते हैं कि डी से जब पी पर जा रहे हैं सब्सट्रीशन इफेक्ट की वजह से करंट कंजम्पशन में कमी आ रही है फोर्टी फाइव थाउजेंड से वो कम होकर थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड रह रही है सो दिस इज़ द सब्सट्रिशन इफेक्ट और जब पी से क्यू पर जाते हैं तो करंट कंजम्पशन में इजाफा हो जाता है जो हम बार बार जिसकी बात कर रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सबसन इफ़ेक्ट की वजह से करंट कंजम्पशन कम हो रही है और इनकम इफ़ेक्ट की वजह से करंट कंजम्पशन में इजाफा हो रहा है इसको आप सेविंग के रेफरेंस से बात करेंगे तो जब आप डी से पी पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपकी करंट कंजम्पशन कम हो रही है आपकी सेविंग बढ़ रही है और जब आप पी से क्यू पर जाते हैं तो आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है और सेविंग कम तो ये दोनों अपोदर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं नेट इफ़ेक्ट क्या है इस ये जो हमने केस ड्रा किया है इसमें सब्सिशन इफेक्ट जो है आपका स्ट्रोंगर है और इनकम इफेक्ट रिलेटिवली वीक है सो इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल आपकी कंजम्पशन कम हो गई है या आपकी सेविंग बढ़ गई है सो दिस इज़ द नेट इफेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज लेकिन इससे डिफरेंट सिनेरियो भी हो सकता है कि आपका इनकम इफेक्ट स्ट्रांगर हो और सब्स्रिशन इफेक्ट आपका रिलेटिवली वीक हो या दोनों एग्जैक्टली exactly एक दूसरे को ऑफसेट कर दें तो ये इस तरह के डिफरेंट केसेस आप ड्रा करके डायग्राम की मदद से आप इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ओवरऑल वर्क करेगा सो सब्स्रिपन इफेक्ट डिक्रीज इज करंट कंजम्पशन बट द इनकम इफेक्ट इंक्रीज इज करंट कंजम्पशन सो सेविंग मे इंक्रीज आर डिक्रीज एंड बोथ इफ़ेक्ट्स इनक्रीज़ फ्यूचर कंजम्पशन फॉर अ बार बोथ इफ़ेक्ट डिक्रीज़ करंट कन्जम्पन बारोअर का अगर आप केस लेंगे तो उसको कैसे वो होगा इस डायग्राम में बारोर के केस में उसका इक्िब्रियम पॉइंट ई से डी की बजाय इससे इस लोअर पार्ट पार्ट होगा यहाँ पर कहीं पर होगा तो वो नेट बारोर होगा इस सूरत में आप उसको डायग्राम से ड्रा करके हम इसको समझ सकते हैं कि बारोअर की सूरत में जो है बोथ इफेक्ट्स विल डिक्रीज करंट कंजम्पशन सो सेविंग डेफिनेटली इंक्रीज बट द इफेक्ट ऑन द फ्यूचर कंजम्पशन इज़ नॉट क्लियर सो द इफेक्ट ऑन एग्रीगेट सेविंग ऑफ अ राइज इन द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ एम्बिग्वस ओके थोरेटिकली हम इसको नहीं तय कर सकते कि ये क्या होगा एम्पीरिकली हम इस पर आ, देख सकते हैं कि क्या होगा एम्पीरिकली ये सामने एविडेंस सामने आई है कि रिसर्च Uh, जो एम्पेरिकल रिसर्च बताती है कि सेविंग इंक्रीज़ हो जाती है जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है लेकिन ये जो इंक्रीज़ होती है सेविंग में ये रिलेटिवली स्मॉल होती है बहुत स्ट्रांग इसका इफ़ेक्ट नहीं है थैंक यू वेरी मच